हाँ जी, तो राम राम जी सभी को, और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। तो सभी जो पार्टी हमारे देखो नहा धो के रेडी होगी है और बस के अंदर जो सभी के सभी बैठ गए हैं, और अब हम जान लग रहे हैं ब्रिज अक्षेत्र की ओर। तो साथ में जो मौज मस्ती है वो चल रही है, और आवाज पीछे तो देनी पड़ रही है क्योंकि जो बस उसके अंदर चलने लग रहे हैं राधा कृष्ण के सॉन्ग, तो फिर आपने पता ही है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाओगी। तो अभी हम जो है पहुंच चुके हैं ब्रिज अक्षेत्र के अंदर। तो इसके अंदर जो है दो परिक्रमा होती है, एक छोटी परिक्रमा होती है और एक बड़ी जो परिक्रमा होती है। तो छोटी परिक्रमा जो वो 9 किलोमीटर की होती है, और जो बड़ी परिक्रमा है वो 21 किलोमीटर की होती है। और इसके अंदर जो है कुछ यात्री हैं जो वो पैदल जाते हैं, और कुछ जो भगवान के अंदर ज़्यादा आस्था रखते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो लेट लगा के भी 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो कंप्लीट करते हैं। और इसके अंदर जो है ब्रिज क्षेत्र के अंदर अनेक तरह के जो है मंदिर है, और लगभग 102 के आसपास के जो कुंड है वो है। तो सब तो मैं हम आपको जो है नहीं दिखा सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है इतना दिखाने के लिए। जो मेन मेन मंदिर है वो आपको दिखाएंगे, और इसको इसमें जो है गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है जिस जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन पर्वत को उठाया था, और इसका दूसरा नाम जो है गिरिराज पर्वत भी इसने बोला। हाँ, तो अब हम सारे के सारे जो है पहुँच गए हैं जो स्थान की जो परिक्रमा है उसके पास में। और ई बुरा है, जैसे ही हमने भाई बस रोकी तो ऑटो वाला की आप भीड़ देख सको, इतने तो हम बस के अंदर जो है यात्री पूरी थे, इतनी जो है ऑटो वह आ गई है। तो वो को हमारी ऑटो में बैठो, वो को हमारी ऑटो में बैठो, तो आप देख सको इतनी सारी ऑटो के अंदर किस तरह बैठेंगे। तो ई भी डिस्कस करने लग रहे हैं भाई, मतलब कितने पैसे में किस तरह लेके जाओगे, क्योंकि दो परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा और बड़ी परिक्रमा। तो ये जो ऑटो वाले हैं ये दिखा के लेके आओगे, अगर यात्री पैदल जावे तो सारी परिक्रमा देख सका है। तो बस हमारी अंदर जावे कौन, क्योंकि छोटी छोटी गलियां हैं उनके अंदर, बस इतनी बड़ी बस जो है मुड़ नहीं सकती, तो इसलिए ऑटो है जो ऑटो में जाओगे हम सारे के सारे। तो ई बुरा जो ऑटो है वो डिसाइड कर ली है, तो हम सब जो है बैठ गए ऑटो में। और ये देख सको आप जो गिरिराज गोवर्धन पर्वत जो मंदिर है वो भी आ चुका है। तो इसका अंदर जो सबसे पहला ये मंदिर है, ये है श्याम जी का मंदिर है ये, तो हम इसके अंदर जो है पहुंच गए हैं। और उरा जो है वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, ना उरा हम फोटो ले सकते हैं, तो थोड़ी सी मैंने छोटी सी जो क्लिप है वो निकाली है। खाली उरा की भी दर्शन करने हुए हैं, मतलब ये बोला जावा है कि उरा जो भी मतलब दर्शन करना हो, उसकी जो मनोकामना हो वो पूरी हुआ है। तो सब अपने अपने मतलब ऑटो लेके आ रहे हैं, और जो मंदिर है वो देखने लग रहे हैं। तो उरे ही हमने जो धूप है वो लगा ली है, और फोन जो मैंने है नीचे छुपा रखे है, तो इसमें तो मैं थोड़ी थोड़ी जो क्लिप है वो निकालने लग रही हूँ। और बहुत ज़्यादा जो है भीड़ है, जिस भी मंदिर में चले जाओ उसी मंदिर में अब तक ज़्यादा जो भीड़ है, कहीं भी पैर रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो कोई पैदल परिक्रमा तो कर ही नहीं सकता भाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पैर जमा गर्म हो जाओ बड़ा है इतनी, मतलब आप देख उसको पक्का रोड है। तो ई बुरा जो है बारिश आ गई है रास्ते में, तो ये हम अपने ऑटो में जो है चलन लग रहे हैं, और रास्ते में आ गई थी बारिश, तो कड़ियाँ बारिश है कड़ियाँ कोनी, और रास्ते में जो बहुत सारे हैं कुंड वो भी आओगे, तो पूरा भी ऑटो रोक का कोनी, क्योंकि 108 कुंड है। अगर ये एक एक मतलब मंदिर एक एक कुंड अगर दिखाने लगे तो मतलब आप हम एक हफ्ते का अंदर भी नहीं देख सकते, इतने कुंड है। और जो मेन मेन मंदिर है सिर्फ वो ही दिखाऊंगे। और इसके बाद में आऊँगा फूंछ लोटा जो बाबा उसका मंदिर है, जिसमें श्री कृष्ण जी के दोस्त रहा करते शंखा, तो वो मंदिर भी आपने दिखाओगे। तो ये अब देख सको उरे बारिश को नहीं, और पीछे जो है बारिश थी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो उरे बिल्कुल भी बारिश को नहीं, इस तरह था भाई कड़ियाँ बारिश थी उरे ही फिर बारिश आ गई है। तो कितने बारिश थी कितने कौन थी, तो बच्चे भी गर्मी के अंदर जो है बिल्कुल व्याकुल हो रहे हैं जमानू भाई, बस पूछो ना बच्चे ने तो आज जोड़ दी कि आज के बाद में कभी भी को नहीं आवा। तो भाई देखो बच्चे ने एक बार खुशी हुआ है, क्योंकि भाई सारा दिन देखो घूमना फिरना रेस्ट का तो बिल्कुल भी टाइम कौन, 10 बजे उठो 4 बजे नहाओ 2 और 6 बजे मतलब निकल लो, फिर 12 बजे आओ खाना खाओ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर 3 बजे फिर चले जाओ, तो इस तरह था। और ईब इसके बाद में पहुँच गया हमें कुछ का लोटा जो मंदिर है उसके अंदर पहुँच गए हैं, और फोटो है। तो ये जो श्री कृष्ण के साथी है वे उरे रहा करते शंखा, तो इस मंदिर की भी लोटा
पत्ते गोबर धन हो गोबर धन तो गोबर सुपर फास्ट सर्विस है बटाई भाई मिनट मारे तो कौन है छोड़े। और अभी हम जान लग रहे हैं नेक्स्ट मंदिर में, और ये मंदिर है गोवर्धन पर्वत मंदिर है, जो वो गिरिराज बीच ने बोल दिया, इसका दूसरा नाम गिरिराज है। तो यही वो जगह है जहाँ से श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन पर्वत उसको उठाया था, और इसको एक मतलब अच्छा तरीका था, आप देख सको हो इस तरह मतलब बना रखे हैं, और छोटे छोटे जो पर्वत से जो पहाड़ से हैं वो है, और वह दूध और जो केसर है फूल है वही चढ़ा है, तो चढ़ावा और भी काफ़ी संख्या में भीड़ थी भाई, और बहुत सारे लोग तो पैसे दे देकर अंदर जावे थे, जो इनके श्रद्धालु है जो वर्कर होंगे 200-200 रुपये देकर अंदर जाते, क्योंकि इसकी दोक लगानी जो है बहुत ज़्यादा जरूरी हो मान्य मतलब मान्य जाओ और कि दोक लगाए कभी जानी जानी चाहिए गिरिराज पर्वत की। तो उरा जिस वो उससे बंदे ने ज़्यादा जानना चाहिए जिसने ज़्यादा नॉलेज हो है, तो उरे मामले ज़्यादा इतनी नॉलेज थी उनके कुछ देखने की है, ऑटो वाला मारती जो भी चीज़ दिखाई बस वो देखा आ गया हम, लेकिन बहुत सारी चीज़ जो रह गई हमने पता कौन था, लेकिन फिर वीडियो देखी हमने बाद में जित पता लगे। तो इस वीडियो में इतना है, अगले मंदिर आपने अगली वीडियो